जो काफिर है जो कापुरुष है वो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बांसते हैं, वो काम करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की समहति रैली में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें लोगों को भाजपा का समर्थन या वोट ना करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि वह पश्चिम बंगाल में भाजपा की मदद करने वालों को माफ नहीं करेगी। बनर्जी ने भाजपा पर भी कटाक्ष किया, उन्हें काफिर और कायर बताया और चुनाव से पहले उनके धार्मिक राजनीतिकरण की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भगवान राम की पूजा करने वालों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोगों की खान पान की आदतों में हस्तक्षेप का विरोध करती है। आइए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के भाषण पर एक नजर डालते हैं। तो आज ये मिचिल करने का हमारा यही मैसेज है, अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हो। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे, हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है जो कापुरुष है वो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बांसते हैं, वो काम करते हैं। चलिए ममता बनर्जी की भाषण की कुछ प्रमुख बातों के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी की भड़काऊ टिप्पणी पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दिया है। जवाब में पश्चिम बंगाल भाजपा ने बनर्जी की टिप्पणियों को विभाजनकारी बताते हुए आलोचना की और उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए मुख्य शब्दों पर प्रकाश डाला। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उनके दावों की सत्यता पर सवाल उठाया है। इस घटना से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़प हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच तीखे शब्द बाण और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है और विपक्षी दल ने इसकी आलोचना की है।